दंगल के बोल में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुंबई से सटे नाला सुपारा में, यहाँ पर जो चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ पर एक तरफ प्रदीप शर्मा है जो शिवसेना की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ जो सबसे बड़े दावेदार है वो ठाकुर परिवार से आते हैं, बहुजन अघाड़ी पार्टी से आते हैं। यहाँ के आम लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे आखिर यहाँ के लोगों की समस्याएं क्या है और ये क्या चाहते हैं, इस इलाके में किस तरह का बदलाव चाहते हैं नहीं चाहते हैं, आम लोगों से बात करेंगे। मेरा पहला सवाल ये है कि इस इलाके में आप रहते हो तो यहाँ की इस इलाके की समस्याएं क्या है? यहाँ समस्या ऐसी है कि रोड भी नहीं है, पानी भर जाता है और लोगों को कोई सुविधा मुहैया नहीं होती है। दिन रात आदमी मेहनत करता है लेकिन हाथ में कुछ नहीं बचता है। अनऑथराइज काम इतने ज्यादा हो गए कि लोग उसके ऊपर ये नहीं कर पा रहे हैं। पानी भर जा रहा है घरों में, कोई देखने वाला नहीं है, लोगों की समस्या ऐसी हो गई। जिस इलाके में आप रहते हैं, इस इलाके के जो एक डर का माहौल है, लोग ये कहते हैं यहाँ पर कुछ डर का माहौल है, तो किस तरह का डर का माहौल है यहाँ पर? यहाँ पे पहले था, एक समय ऐसा था कि लोग खुल के, अब तो लोग खुल के बाहर आना चालू हो गए हैं और सब लोग यही सोच रहे हैं कि भाई जो बड़े भाई प्रदीप शर्मा जी जिनको उम्मीदवारी मिला हुआ है महायुति से, तो आज तक जितने भी लोग आए मेरे नजर में ना, वो सिर्फ या तो अपना भाव बढ़ाने के हिसाब से आए या फिर वो पार्टी के लिए दावेदारी बराबर नहीं भरे। लेकिन एक पहले ही बार ऐसा कैंडिडेट कोई आया हुआ है जो एकदम लड़ने के लिए आया हुआ है और कुछ न कुछ परिवर्तन करने के लिए आया हुआ है। आपके इलाके की समस्याएं क्या है? हमारे इलाका साई बाजार स्टेशन के पास है, थोड़ी भी बारिश हो जाए पानी भर जाता है, लाइट चली जाती है, 5-5 घंटा लाइट नहीं रहती, हम लोग को तकलीफ ही है। अभी सर आए हैं, पहले उधर पे हमारे इधर नीतीश ठाकुर थे, उन्होंने कुछ काम नहीं किया, हम लोग परेशान रहे उससे। हम पूरा 5 साल बारिश में हर साल इस तरीके से रहते हैं, बच्चे लोग को मच्छर हो जाते हैं, डेंगू काटते हैं, उसकी बीमारी अलग, तकलीफ अलग। रोड पे भाजी वाले छोड़ के चले जाते हैं, वो बीएमसी उठाती नहीं है, हमको वो तकलीफ, हम किसको बोलेंगे? तो अभी हमारे पास शिवसेना की पार्टी की तरफ से हमारे प्रदीप साहब खड़े हुए, हम बांद्रा से है, बांद्रा से हम यहाँ पे इनके लिए सपोर्ट के लिए आए। और भी लोग उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे इलाके की समस्याएं क्या है, आप बात करोगे क्या है, समस्याएं क्या है तुम्हारे इलाके की? हमारे इलाके में पूरे पानी भर जाते हैं, इतने पानी भर जाते हैं ना, सबके घर में घुस जाते हैं, वो घर में कोई चाली में देखने के लिए नहीं आता, कोई नगर सेवक नहीं आता, और सब आते तो कब आते, बाद में आते जब कुछ सब हो जाता है। और लाइट तो बहुत बेकार है, और खाली ट्रांसफॉर्म जाता है, उसकी वजह से लोगों का पूरा ये जीवन बेकार हो जाता है, उसकी तारे टूट के पानी में गिर जाएगी, किसी को शॉक लगा उसके जमींदार कौन लेगा, ये सब कोई आया नहीं आज तक कुछ नहीं। पहला ये आए प्रदीप शर्मा जी तो सर अपने कि जो हमारे लिए खड़े हो रहे। आप ये बताइए कि आप कि जिस इलाके में आप रहते हैं यहाँ की आपकी समस्याएं क्या है? एक्चुअली सर हमारा एक्चुअली कैसा, अग्रवाल सर्कल पे काफी समय से एक नंबर मतलब आगे का रोड विजय लक्ष्मी नगर का काफी समय से बना हुआ नहीं हुआ, तो हम सोचते हैं सर से कि रिक्वेस्ट करेंगे कि इधर का रोड का फटाफट गटर का समस्या प्रॉपर हो जाए। एक तरफ प्रदीप शर्मा यहाँ से जो है वो विधायकी के लिए खड़े हुए शिवसेना की तरफ से, और दूसरी तरफ जो है सतीश ठाकुर जो पिछले 10 सालों से यहाँ से 2 टर्म से यहाँ से विधायक है और ठाकुर परिवार से आते हैं, इनका भी अंडरवर्ल्ड से संबंध, जिस तरह से बताया जाता है कि जो ठाकुर रहते थे ठाकुर उनका अंडरवर्ल्ड से संबंध रहा है और गिरफ्तारी भी हो चुकी है मकोकों के तहत, उसके बाद इनको उतारा गया है। तो कोई व्यक्ति और उनसे पूछते हैं कि एक मेरा ये सवाल है कि जिस तरह से एक तरफ अंडरवर्ल्ड के लोग हैं, दूसरी तरफ मुंबई का कॉप है, सुपर कॉप है, तो क्या लगता है कुछ बदलाव होगा? एब्सोल्युटली बिल्कुल 101% बदलाव होगा और ये बदलाव दिख रहा है, पूरे हिंदुस्तान में ये बदलाव दिख रहा है। और ये नाला सोपारा एक ऐसा विधानसभा है जिसकी नजर पूरे हिंदुस्तान की नहीं अपितु विश्व की भी है, तो इसके लिए मैं कहूंगा अब की बार बदलाव होगा, क्योंकि ये जो अति पिछड़ा, जो गांव में भी इतना पिछड़ा हुआ कोई इलाका नहीं है, हमें तो अफसोस है कि 30 साल से सत्ता एक मुश्त किसी के हाथ में हो और इतना पिछड़ापन, चाहे एजुकेशन हो, चाहे फिर किसी का रोजगार हो, चाहे यहाँ बिजली पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं उससे वंचित रहा इलाका, आज यहाँ पे गले तक पानी भर जाता है, ये सब सुन के आज यहाँ पे दूसरा खौफ जो है, सबसे बड़ी बात है लोगों के अंदर खौफ, अभी तक जो कहते अभिव्यक्ति की आजादी, हिंदुस्तान में हर जगह अभिव्यक्ति की आजादी थी मगर यहाँ पे बिल्कुल नहीं, क्यों? यहाँ पे कंपनी जैसे कहते डी कंपनी भाग गया हिंदुस्तान छोड़ के, मगर ये दूसरा कंपनी विरार कंपनी ये छोड़ के भागे नहीं, अब समय आया है बदलाव का। और यहाँ से ये गंदगी उखाड़ फेंकने के लिए कॉप्स कहते ना, हिंदुस्तान में जो कॉप्स का साम्राज्य जिसके लिए मुंबई पुलिस जानी जाती है। के इलाके की समस्याएं क्या है, आपको क्या लगता है यहाँ की समस्याएं क्या है? यहाँ पे समस्याएं सर, पानी बरसात जब होती है तो पानी बुड़ जाता है, यहाँ पे लोग त्रस्त हैं लोगों से कि क्या किया जाए, लोग भयभीत रहते हैं हमेशा,
और न तो बिजली की सही व्यवस्था है, एकदम भय का माहौल रहता है। इसलिए अभी परिवर्तन संसार का नियम है, अगर परिवर्तन होगा, अभी जैसे आप चावल दाल भात खाते हैं तो आदमी उब जाता है खाते खाते, इसलिए आदमी सोचता है कि कुछ और बदल के खाऊं। तो हर आदमी, हर पब्लिक चाहती है कि नाला सुपारा में एक बार प्रदीप शर्मा जी को लाया जाए, जिताया जाए, देखा जाए कि किस तरह से बदलाव क्या होता है। और भी लोग उनसे पूछते हैं कि क्या लगता है कि आपको किस तरह के बदलाव की जरूरत है, नहीं है, या देश में जो काम चल रहा है 370 का एक मसला सामने आया था, वो उद्धव जी जो काम कर रहे हैं वो, तो किसको देखकर आप वोट देंगे यहाँ पर? देखिए, यहाँ के मतदाता बदलाव के पूरे मूड में हैं, और जहाँ तक 370 का मामला है तो वो भाजपा और शिवसेना दोनों का इनके एजेंडे में रहा है, और राम मंदिर भी हमारे एजेंडे में है। ये हम भाजपा से हैं और भाजपा और शिवसेना की जो महायुति है वो परिवर्तन के पूरे मूड में है। यहाँ की जो समस्याएं हैं वो सड़क की समस्या है, गटर की समस्या है, जो बिल्डिंग्स बन गई हैं वहां पे पानी अभी आज तक नहीं पहुंचा है, पजेशन तो दे दिया गया और न तो ओसी की उपलब्धता हुई है, और बीएमसी और नगर निगम यहाँ का जो प्रशासन है वो अपने मनमानी पे उतारू रहता है। समस्याएं अलग अलग हैं, पानी भर जाता है इलाके में, बहुत सारी जो एक डर का माहौल रहता है, हम देख रहे हैं कई लोग ऐसे सामने भी आना नहीं चाहते बात करने के लिए, दूर दूर रहते हैं। तो ये इलाका है नाला सुपारा का जहां पर इस वक्त दो बड़े लोग खड़े हुए हैं, एक प्रदीप शर्मा है जो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट सुपर कॉप माने जाते हैं जो शिवसेना की तरफ से खड़े हुए, दूसरे सतीश ठाकुर जो पिछले दस साल से यहां पर विधायक है वो यहां पर है। तो और भी लोग उनसे पूछते हैं कि आप बात करोगे, आइए थोड़ा सा इधर आइए आप। नहीं, तुम कहाँ रहते हो, क्या समस्याएं हैं आपकी? मैं इधर नहीं, मीरा रोड में रहता हूँ। मीरा रोड में रहते हो, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप यहाँ नहीं रहते। तो क्या इस इलाके की समस्याएं क्या है? इस इलाके की समस्याएं पानी और बिजली, और अभी आप भी देख रहे हैं शायद हमारे यहाँ का रोड कैसा है। समस्या की यहाँ कमी नहीं है, जितना निकालेंगे उससे ज्यादा समस्या मिलेगी। पानी और बिजली समस्याएं हैं, अलग अलग समस्याएं इस इलाके की, लेकिन लोग जो है इस वक्त बदलाव चाहते हैं, यही वजह है कि उम्मीद करते हैं कि प्रदीप शर्मा जीते या फिर दूसरा विधायक जीते। लेकिन लोग की एक बात मुझे सामने यहाँ साफ दिख रही है कि लोगों में डर का माहौल जरूर है, यही वजह है कि लोग सामने आने इस वक्त बड़े घबरा रहे हैं। इस समय मुंबई से वसीम हैदर है।